अभी देखेंगे कि आउटलुक कैसे अच्छी तरह से यूज करना चाहिए, लेकिन पहले ये सोचना है कि हम जो भी करते हैं किस लिए कर रहे हैं जिंदगी में। हमको आगे बढ़ना है और सक्सेस और पैसा सब कुछ चाहिए, ठीक है। अभी जो भी हम काम करते हैं उसका एक लिस्ट होता है, उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। कब देखते हैं? जब भी रिव्यू होगा, उधर बॉस के साथ बैठेंगे, फिर बॉस पूछेगा ये हुआ, समझो ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये हुआ, ये थोड़ा सा हुआ, ये भी थोड़ा सा हुआ, ऐसे होता है। जो बोला था वही नहीं किया तो तरक्की होगी क्या? नहीं होगी। जो बोला वो किया तो क्या होगा? हाँ, नौकरी रहेगी लेकिन बढ़ावा नहीं होगा। अगर जो बोला उससे ज़्यादा किया तो क्या होगा? हाँ, तो बहुत अच्छा चांस है ना, तो ये करना है। अभी ये क्यों नहीं हो रहा है, जो भी बोला क्यों नहीं हो रहा है? जानकारी है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ चाहिए वो है, फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों? एक चीज़ की कमी है। क्या है वो? टाइम। सबको टाइम का प्रॉब्लम रहता है। अभी आउटलुक देखते हैं। आउटलुक में क्या करते हैं? पहले इनबॉक्स में जाते हैं, फिर कैलेंडर में जाते हैं। अभी टाइम कैसे यूज़ कर रहे हैं? अगर मेलबॉक्स में मैं मेल भेजूं तो ये मेरा काम हो गया, दूसरे का रिप्लाई करूं दूसरे का काम हो गया। किधर ज़्यादा टाइम जा रहा है? दूसरे के लिए। मेरा मीटिंग है, मेरा काम है, दूसरे का मीटिंग है, दूसरे का काम हो रहा है, टाइम किधर जा रहा है? दूसरे के काम पे। ये गड़बड़ है। तो पहले क्या करना है? अपना जो इम्पोर्टेंट मेल है उसको हैंडल कैसे करें? उसके लिए अगर नया वर्जन है आउटलुक का और ऑफिस 365, दो टाइप का मेल बॉक्स दिखता है, फोकस्ड और अदर। अदर का मतलब क्या है? ज़्यादा ज़रूरी काम की चीज़ नहीं है, ये आउटलुक अपने आप करता है। जाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखने का कि अदर में क्या गया है रिसेंटली। अगर लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ उधर गया तो उधर जाके बोलो नहीं, उधर मत डाल। 30-40% तो मेल अपने आप जा रहा है अदर में, अपना काम कम। बहुत बार क्या होता है, मेल आता है फिर उसको हम फ्लैग करते हैं, बोलेंगे ये काम करेंगे, वो गलत है। तो करना क्या है, जो भी काम आएगा कहीं से भी आने दो, टास्क फोल्डर में डालो। ये हर चीज़ करने के लिए टाइम लगेगा ना, कैलेंडर खोलने का, अलग विंडो में टास्क खोलने का, जो इम्पोर्टेंट काम है यहाँ से यहाँ ड्रैग करने का। मैंने बोला मंडे को इस टाइम पे मैं ये काम करूँगा, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अभी ये लिस्ट इम्पोर्टेंट हो गया ना अपनी ज़िंदगी में, मोबाइल पे भी दिखना चाहिए। तो ये टू डू ऐप है माइक्रोसॉफ्ट का, ये इंस्टॉल कर दीजिए, आउटलुक के सब टास्क इधर भी दिखेंगे। फाइनली क्या करना है, आउटलुक में हम बहुत मीटिंग अटेंड करते हैं, उसका नोट्स कहाँ रखते हैं? याद नहीं, 6 महीने के बाद मिलने वाला नहीं है, तो अभी क्या करने का? मीटिंग कैलेंडर में है ना, पहले उस पर राइट क्लिक करो, उसको बोलो मीटिंग नोट्स लेना है। वो और एक चीज़ खोलेगा वन नोट बोल के, पहले नहीं यूज़ किया तो करो, सबके पास रहता है, किसी को पता नहीं है। बोला मेरा नोट्स लेना है। नोटबुक है, किताब जैसा है, डायरी जैसा है, जितनी चाहिए बनाओ। वो पूछेगा कौन से डायरी में डालना है, ओके बोल दो, फिर उसमें नोट्स रह जाएगा, अपने आप से होगा। अभी 6 महीने के बाद इसका मीटिंग का नोट्स चाहिए तो क्या करें? सेम चीज़, वापस आने का मीटिंग में, राइट क्लिक करने का, मीटिंग नोट्स। अभी आउटलुक को मालूम है नोट्स कहाँ है, वो खोल के देगा, इस वजह से अपना मीटिंग और नोट्स साथ में रहता है, टेंशन नहीं। आउटलुक सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, ऑफिस 365 में बहुत सारी चीज़ें हैं। किस काम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटा सा काम है, जल्दी चाहिए करके, अर्जेंट है तो चैट करना है, अर्जेंट नहीं है तो मेल भेजने का, अगर उसको डेडलाइन है तो टास्क भेजने का। बाकी टूल्स अलग वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।